गुड मॉर्निंग, आज हम जा रहे हैं अटल टनल को क्रॉस करके शिशु विलेज में, और शिशु के आसपास जो भी एरिया होगा उसे एक्सप्लोर करेंगे। आज पूरे दिन हम उस एरिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी मैंने एक स्टॉप लिया है क्योंकि पीछे व्यू बहुत ही सुंदर है, व्यास नदी बह रही है, स्नो कवर्ड पीक्स हैं, ग्रीनरी है। आप भी एक बार पहले व्यू एंजॉय करिए, फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वो देखिए, सामने स्नो कवर्ड पीक्स हैं और नीचे व्यास नदी, पानी बहुत ही क्लियर है, और उसके पीछे जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, मतलब अलग ही दृश्य बन रहा है। वाह, मजा आ रहा है इस टाइम मुझे यहाँ खड़े होकर। ये देखिए, इस टाइम आप सोलंग वैली में हैं, विंटर की एक्टिविटीज़ के लिए फेमस एरिया है। अभी तो यहाँ पे स्नो नहीं है, और वो अगर आप सामने देखेंगे रोपवे एंड स्की सेंटर, और ये देखिए पैराग्लाइडिंग। तो ये छोटी वाली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, शॉर्ट, और ये रोप वे आप देख रहे होंगे इधर से ऊपर जाके, आप वहाँ से भी पैराग्लाइडिंग होती है ऊपर से भी। और वो देखिए, आप उधर भी देख रहे होंगे कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं, शॉर्ट, थोड़ी लॉन्ग और लॉन्ग, ऊपर और लॉन्ग, इनके फिर उसी अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। तो विंटर्स में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, स्नो की वजह से बहुत सुंदर लगता है, पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होता है। यहाँ पर भी सब स्नो ही स्नो होती है, बट इस टाइम नहीं है, बट एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ आप आकर एंजॉय कर सकते हो। अटल टनल कह सकते हैं इसे, रोहतांग टनल कह सकते हैं।
इसे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में इसके लिए सजेस्ट करा था। 2010 में मनमोहन जी की सरकार के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 2020 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है और घोड़े की नाल की शेप में है और ये दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे टनल है, लगभग 10,000 फीट से भी ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस टनल के बनने के बाद लाहौल स्पीति के लोग जो बर्फबारी की वजह से पूरी दुनिया से कट जाते थे 6 महीने, वो पूरे साल दुनिया से जुड़े रहते हैं। और लेह से मनाली का मार्ग जो 45 किलोमीटर से भी कम हो गया है, लगभग 4 से 5 घंटे अब कम लगते हैं। तो सोचिए कितना, मतलब हमें अटल टनल बनने के बाद हमें प्रॉफिट मिल रहा है। इस टाइम मैं अटल टनल के नॉर्थ पोल पे हूँ। साउथ पोल से हमने एंट्री करी थी, नॉर्थ पोल से एग्जिट होती है। और मेरे जो राइट साइड में रोड जा रहा है, ये आप स्पीति और कोक्सर के लिए जाता है, और मेरे लेफ्ट साइड का रोड जा रहा है आपका लेह और लद्दाख के लिए। और नीचे है चंद्रा रिवर, तो चलिए फिर चंद्रा रिवर पर चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, सुकून के थोड़े से पल एंजॉय करते हैं। ये देखिए नीचे चंद्रा रिवर, और इधर कहीं पर भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और उधर कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा एरिया है वहाँ पे, स्नो है इस टाइम, ईटिंग पॉइंट्स काफी हैं। चलिए फिर थोड़ा नीचे चलते हैं। और ये है चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर आगे टांडी जगह है, वहाँ जाकर मिल जाती है भागा रिवर से और वहाँ बन जाती है चंद्र भागा रिवर। और आगे पठानकोट में जाकर इसी रिवर का नाम बन जाता है चिनाब नदी। तो यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है और पीछे व्यूज तो आप देख रहे हैं कमाल के हैं। बड़ा ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये जो आवाज आ रही है पानी की, ये बहुत ही सुकून दे रही है इस टाइम। चलिए अभी थोड़ी देर में बैठती हूँ यहाँ पर और आप एक बार व्यू एंजॉय करिए। तो अभी मैं चंद्रा रिवर पर काफ़ी देर बैठी, वहाँ काफ़ी इंजॉय करा, रील्स बनाई, फोटोग्राफी करा। और अब मैंने यहाँ पर ऑर्डर करे हैं राजमा चावल, वो तो मैं आपको बाद में खाने के बाद ही बताऊँगी कि कैसे लगे। ये देखिए एक बार फिर से व्यू देख लीजिए आप मेरे साथ पीछे।
ये देखिए आपको स्टॉल्स यहाँ पर जगह जगह मिल जाएंगे, तो वहाँ आप बैठकर फूड एंजॉय करते हैं, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैंने तो फिलहाल करे हैं राजमा चावल ऑर्डर, और वो भैया ला रहे हैं, और वो दूर से ही मुझे बड़े टैम्पटिंग से लग रहे हैं। ये देखिए भैया लेकर आए हैं हमारे लिए। भैया इसका क्या प्राइस है? 120। ये 120 की प्लेट है, लेकिन देखने में बहुत ही यमी यमी लग रहे हैं। ये इधर देखिए थोड़ी स्नो है, बट काफ़ी गंदी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है। स्नोफॉल इस बार वैसे कम हुई है इस एरिया में भी। और वो सामने अगर आप देखते हैं एक छोटा सा वाटरफॉल के, देन वो भी एक छोटा सा वाटरफॉल आपको दिखाई दे रहा है, पर व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है। कैमरे में तो पता नहीं कैसा लग रहा है, इस टाइम ऊपर से गिर रहा है जस्ट, फिर वो दूसरी छोटी सी पहाड़ी पे वहाँ से निकल के आ रहा है, फिर वो वहाँ से, मतलब बहुत ही अच्छा सा लग रहा है एकदम। तो चलिए फिर मैं अपने राजमा चावल इंजॉय करती हूँ, और एक बार व्यू फिर से देख लीजिए ऊपर। ये देखिए बादल आ गए हैं छोटे छोटे, तो जब बादल आते हैं और बीच में नीला आकाश, एक अलग ही मतलब व्यू बन जाता है। मुझे हमेशा इस टाइप के ये स्काई वाला व्यू अच्छा लगता है। छोटे छोटे बादल तैर रहे हैं, और ये हमारे सूर्य देवता पूरे अपने चमकने की चरम सीमा पर। तो चलिए फिर मैं अपने राजमा चावल इंजॉय करती हूँ। अभी आपने नहीं खाए, अभी गर्म है एक्चुअली काफ़ी, तो खा के मैं आपको बताती हूँ कैसे हैं राजमा चावल। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर लिया है, राजमा चावल बहुत टेस्टी थे। अब चलते हैं कोक्सर। कोक्सर यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन व्यूज वहाँ पर बहुत सुंदर है। तो चलिए फिर रास्ते भी आपको दिखाती चलती हूँ, और वहाँ चल के तो नेचुरल व्यूज़ तो मैं आपको दिखाऊंगी।